नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लकी कुमार है। आप मेरे चैनल लकीज गार्डन पर बने हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से यही होता है कि मैं जब भी आपको मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरी गोल्ड के प्लांट की सीड्स कलेक्ट कैसे करें। मतलब आप एक बार अपने नर्सरी से पौधे लाते हैं तो आपको हर साल अपने पौधे नहीं लाने पड़ेंगे, आप उसके बीज मतलब सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट है, ये आप देख सकते हो, ये सीड्स इसके तैयार हो गए। ये मेरा प्लांट, अब गर्मी का दिन आ रहा है तो ये प्लांट सूख गया, इसमें सीड्स बन गए हैं। तो आज मैं इसी को बताऊंगा कि सीड्स को कलेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले ये मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट है, सबसे पहले ये तो पहले आपको जैसे प्लांट होते हैं तो आपको मैं बताता हूँ, ऐसे जब पूरे सूख जाएंगे तो आपको तोड़ना है। और आपके अगर अभी ऐसे प्लांट है तो नहीं तोड़ना है, अगर आपके अभी ऐसे प्लांट है तो आपको नहीं सीड्स कलेक्ट करना है, अभी इसे सूखने के लिए छोड़ना है। अगर आपके अभी ऐसे भी हैं तो इसे नहीं कलेक्ट करना है। मैं बताता हूँ कैसे हो जाएंगे तो कलेक्ट करना है। तो अगर आपका ऐसे हो जाता है सीड्स दम ऐसा इस प्रकार से सूख जाता है तो आप इसे सबसे पहले तोड़ लें। मैं तोड़ लूँगा, तोड़ लिया तो इस पे जितने भी सीड्स बने हैं ये सब मेरे तैयार हो चुके हैं, तो मैं सबको तोड़ लूँगा। ये भी तैयार हो चुका है, मैं इसे भी तोड़ लूँगा। देखिए इस पे जितने फ्लावर है सब तैयार हो गए हैं सीड्स। तो बस इतने ही थे इस पे। तो चलिए अब मैं इसे कलेक्ट करना बताता हूँ आपको कैसे कलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले ये हमारे सीड्स हो गए, तो हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये देखो हमारे सीड्स निकल गए, ये बहुत इजली है। अब सीड्स आपको अब ये अगले सीजन के लिए काफ़ी है। मैंने पहले भी इसका एक वीडियो बनाया था बट मैं दोबारा ही इस वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सीड्स तैयार हो गया, अब हम इसे अगले सीजन के लिए ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हो अब हम इसे रख देंगे किसी चीज़ में और अगले साल इसे ग्रो करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।